Principles of good practice for assessing student learning. American Association for Higher Education has identified 9 principles of good practice for assessing student learning. जिसमें student की जो assessment है, student learning की जो assessment है, वो शुरू होती है educational values से. Values आप जो education के through student में transfer करना चाहते हैं, inculcate करना चाहते हैं, तो assessment के लिए बहुत जरूरी है कि student की learning को educational values के according assess किया जाए. दूसरा principle multidimensional integration. कि assessment is most effective when it reflects an understanding of learning as multidimensional, integrated and revealed in performance over time. कि student की जो performance है, उसको देखा जाए over the time क्या उनकी किस तरह से उभर के आती है, student किस तरह से perform करते हैं, क्या उनमें नई knowledge increase हुई है या नहीं हुई, क्या attitude develop हुए, कितनी percent उनमें change आया है, क्या behavior उनका change हुआ है. थर्ड प्रिंसिपल स्टूडेंट का है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. असेसमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम है उसकी जो गोल्स है, जो पर्पस है, उसको क्लियरली बताना बहुत जरूरी है. कि अगर आप असेसमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप प्रोग्राम के जो गोल्स हैं, जो पर्पसेस हैं, उनको क्लियरली मेंशन करें और उससे के बेस पे असेसमेंट की जाती है. उसको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है कि आपने बताया कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट में ये चीज इनकल्केट करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनमें नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उनको कोई स्किल सिखाना चाहते हैं. तो जब आप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं उसी वक्त असेसमेंट के भी गोल्स को बताना होगा कि वो आइदर जो प्रोग्राम के गोल थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, गोल अटेन हुए या नहीं हुए, उस चीज को असेस करने के लिए भी असेसमेंट की जाती है. फोर्थ प्रिंसिपल जो गुड प्रैक्टिस है असेसमेंट की, स्टूडेंट लर्निंग की, दैट इज के असेसमेंट इज रिक्वायर्ड आउटकम्स. कि हमें अटेंशन देनी होगी कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए. लेकिन यहाँ पे सिर्फ लर्निंग आउटकम अचीव होना ही काफी नहीं है, बल्कि उन चीजों को भी देखना होगा कि उस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए जिस तरह से एक्सपीरियंसेस किए गए वो भी इक्वली अटेंशन देनी होगी कि किस तरह से स्टूडेंट ने वो चीज अचीव की है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमने आउटकम अचीव किए हैं वो हमारी असेसमेंट होगी, लेकिन वो आउटकम किस तरह से अचीव हुए, क्या स्टूडेंट ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था, सीखा था, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर थी, प्रॉपर और फेयर अनबायस्ड असेस किया गया था कि जो चीजें जिसको जितनी आती हैं उसी बेस पे उनको उतना फीडबैक उतना ही उसी तरीके से असेस किया जाए और ऑन दैट बेसिस हम ये कहें कि आउटकम अचीव हुए हैं. अगर हम सिर्फ आउटकम के फोकस करते हैं तो इट इज पॉसिबल के थ्रू अनफेयर मीन्स, थ्रू चीटिंग, थ्रू किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है आउटकम अचीव हो सकते हैं. यहाँ पे प्रिंसिपल ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि जब आप आउटकम की बात करें तो उसके एक्सपीरियंस की भी बात करें कि स्टूडेंट ने वो आउटकम किस तरह से अचीव किए. फिफ्थ प्रिंसिपल ये है कि स्टूडेंट की जो असेसमेंट है वो ऑन गोइंग होनी चाहिए, एपिसोडिक नहीं होनी चाहिए. कि अगर आप क्लासरूम में जिस दिन से एंटर हुए हैं, आपने एडमिशन लिया, तो टीचर का काम ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक असेसमेंट, देन फॉर्मेटिव असेसमेंट और ऑन गोइंग असेसमेंट होनी चाहिए. कि टाइम टू टाइम टीचर असेस करती रहे कि स्टूडेंट को जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो उनको समझ आ रही है नहीं आ रही, जो न्यू लेसन इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट में, अगर रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको रिटन स्किल सिखानी है, स्पीकिंग पार्ट लेकर आना है, तो इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए या एटीट्यूड को डिवेलप करने के लिए टीचर्स का काम ये है कि टीचर्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इस चीज को असेस करती रहे, ठीक देखते रहे कि वेदर दे हैव अचीव व्हाट एवर प्री डिजाइंड फॉर देयर इंस्ट्रक्शन, जो उनके लिए गोल डिजाइन किए गए थे, जो उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट किए गए थे, वेदर वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए. उसके बाद जो सिक्स्थ जो असेसमेंट का प्रिंसिपल है वो है कि वाइडर इम्प्रूवमेंट. कि क्योंकि जो एजुकेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है तो इसके लिए असेसमेंट हमें
जो वाइडर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है, क्योंकि डिफरेंट आपके जो क्लास में डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं. अब हर एक क्लास में जो बच्चों की असेसमेंट की जाती है उसका जो पर्पस है वो वाइडर परफॉर्म इम्प्रूवमेंट है, कि परफॉर्मेंस जितनी है अगर उस परफॉर्मेंस में कोई चीज़ लैक कर रही है तो उस टीचर का काम ये है कि उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करे और एज अ होल क्लास के लिए उस चीज़ को रिमीडियल करवाए, उस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस करवाए ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज़ें आ जाए. उसके बाद जो सेवन्थ जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आप स्टूडेंट को जो प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके जहन में कोई क्वेश्चंस आते हैं उनको इलिमिनेट करवाया जाए. और टीचर का काम ये है कि अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको चेक किया जाए कि थ्रू असेसमेंट, थ्रू डिफरेंट असेसमेंट मोड आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के जहन में आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं, उस चीज़ को एड्रेस किया जाए, उनको आंसर किया जाए. असेसमेंट हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है, कि जब आप प्रॉपर तरीके से फेयर असेसमेंट करते हैं, हर एक को प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिलता है कि जो आपने परफॉर्म किया ये आपका असेसमेंट है. अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छे असेसमेंट आएगी, अगर आपने बुरा परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट भी फेयर होगा. उससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाए वो नेक्स्ट टाइम उनको ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को सीख जाते हैं, कर जाते हैं. टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब आपने इस तरफ फोकस करवाना है. स्टूडेंट की अगर रिटन एबिलिटी ठीक है लेकिन वो स्पोकन इतनी नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट को उस तरह प्रैक्टिसेस करवाएंगे. स्पीच हो सकती है, उनको स्पीच कॉन्टेस्ट करवाए, डिफरेंट डिस्कशन मोड करवाए ताकि स्टूडेंट उस तरफ उनकी अटेंशन आ सके. फिर जब लास्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एजुकेटर्स हैं जो असेसमेंट करते हैं, उनकी असेसमेंट के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से असेस तभी कर सकेंगे जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया होगा. जब आप प्रॉपर पढ़ाते हैं तभी आप उनको असेस कर सकते हैं. अगर एक टीचर हैं जिन्होंने सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दी, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो ऑन दैट अगर नहीं करवाई तो असेसमेंट उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वो चीज़ें नहीं सीखी. असेसमेंट स्टूडेंट की लर्निंग को भी मेजर करती है, साथ साथ टीचिंग मेथड को भी मेजर किया जाता है कि वेदर जो टीचिंग मेथड था वो इफेक्टिव था, जो इंटेंडेड मेथड मैसेज था वो कन्वे हुआ है या नहीं हुआ. तो हमें असेसमेंट हेल्प करती है कि आप डिफरेंट मोड के थ्रू डिफरेंट ये विदाउट डिफरेंशिएटिंग के फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सुमेटिव असेसमेंट है, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. स्टूडेंट की जो लर्निंग है, जो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट की जो लर्निंग है इसको इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स का काम ये है कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बेस पे असेसमेंट की जाए.